सबसे अधिक सैलरी पाने वाले बैंकर्स में शशिधर जगदीशन का नाम टॉप पर है। इसके अलावा और भी कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्हें पिछले वित्त वर्ष में करोड़ों रुपए की सैलरी मिली है। इन सभी के बीच एक बैंकर ऐसे भी है जिसने सिर्फ एक रुपए का वेतन लिया है। तो आइए जानते हैं कौन कौन है वो दिग्गज। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक के MD और CEO शशिधर जगदीशन वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक सैलरी पाने वाले बैंकर के रूप में उभरे हैं। उन्हें कुल 10.55 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार शशिधर जगदीशन के सहकर्मी और HDFC बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर केजात भरूचा को बीते वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस तरह वो संभवत देश के दूसरे सबसे अधिक सैलरी पाने वाले बैंकर हैं। अगर शशिधर जगदीशन के सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो 10.55 करोड़ रुपए में 2.82 करोड़ रुपए की बेसिक सैलरी, 3.31 करोड़ रुपए के भत्ते, 33.92 लाख रुपए का PF और 3.63 करोड़ रुपए का परफॉर्मेंस बोनस शामिल है। बैंक CEO के मामले में सैलरी के मामले में दूसरे नंबर पर एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी 9.75 रुपए के साथ दूसरे नंबर पर है। उनके बाद ICICI बैंक के संदीप बख्शी को 9.60 करोड़ रुपए की सैलरी मिली है। इन सभी के बीच कोटक महिंद्रा बैंक के CEO उदय कोटक ने सिर्फ 1 रुपए की सैलरी ली है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के बाद से पारिश्रमिक के तौर पर 1 रुपए का सांकेतिक वेतन लेने का फैसला किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GST।